इंडिया नॉर्थ ईस्ट असम सिलचर से बोल रही हूँ। मेरे सिलचर सिटी में कैसा बारिश हो रहा है, कैसा वेदर है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। दोपहर का सीन है ये, देखिए बहुत ही बुरी हालात है, देख लीजिए। मतलब खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेन लाइंस बंद है, देखिए इतना बारिश है ये देख लीजिए। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है अब, मतलब आपको क्या ही बताऊं मैं, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, वेदर का भी हालत बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ मतलब फ्लड की सिचुएशन भी होने वाली है, भगवान ना करे ना हो। आप सब लोग मेरे सिलचर सिटी के लिए प्रेयर कीजिए कि ताकि बारिश वारिश ना हो ज़्यादा। हमारा यहाँ दुकान उकान सब बंद है और इस तरह से बारिश हो रही है कि डर ही लग रहा है कि कब क्या हो, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा बारिश हो चुकी है, मतलब बता नहीं सकते कि इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब डर लग रहा है। ये देख लीजिए इतना ज़्यादा। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं एलबी में आती हूँ, बातें नहीं करती हूँ। कैसे बातें करूँ, 2 मिनट एलबी खोलती हूँ तो खोलते ही बादल गरजने लगते हैं, तो मैं बातचीत भी नहीं कर पाती हूँ। ये देख लीजिए इतने सारे बारिश हो रही है, मतलब डर ही लगता है कि बारिश कब बंद होगा पता नहीं। हमारे यहाँ तो ट्रेन लाइन 10 दिन तक बंद है और हम कुछ सब्जी वगैरह भी नहीं खरीद पा रहे, इतना तकलीफ़ हो रहा है। तो आप लोग को शेयर करना था दोपहर का वीडियो, तो वही मैं कर रही हूँ। देखिए इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी तक तो मतलब बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो जल्दी जल्दी आ गए और आने के बाद इतना ज़ोरों की बारिश हो रही है, क्या ही कहे, डर के मारे मतलब बता नहीं सक रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही वेंडर्स तो भी दुकानें वकानें बंद करके रखे हैं, ये देखिए हालत बहुत ही ख़राब है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। नए दोस्त मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और जब भी मेरा कमेंट बॉक्स खोलता है मैं आप सबको कमेंट कर लूँगी। अभी तो यहाँ लाइट भी नहीं है, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है हमारे यहाँ। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ सराहिएगा, मैं बहुत तकलीफ़ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।